नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। बिहार में हो रही लगातार बारिश से अब दरभंगा की नदियों में काफी उफान देखा जा रहा है। अधवारा समूह की नदियों और बागमती नदी में लगातार तेजी से बाढ़ के पानी में वृद्धि हो रही है। इधर दरभंगा के हाय घाट में बागमती नदी में जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यही कारण है कि दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर मुंडा पुल के गाटर को बागमती नदी के पानी छूकर बह रही है, जिससे इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है। बाढ़ का कहर के कारण तकरीबन यहां से सफर करने वाले 10,000 यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी के खतरे के निशान से ऊपर 47 के आंकड़ों को पार करके बह रही है यहां से। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2, 7, 9 और 23 भी बाढ़ के चपेट में आ चुकी है। शहर के किला घाट और एकमी सहित अन्य जगह पर बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर बहादुरपुर प्रखंड के वार्ड नंबर 12 में बाढ़ मानो तांडव मचा रही है। यहां बाढ़ का पानी गांव को डूबते हुए अब मेन रोड पर 2 से 3 फीट ऊपर से बह रही है। बागमती नदी में पानी बढ़ रही है, क्या कहेंगे सर आप? पानी बढ़ रहा है, इसमें सरकार को चाहिए कि उद्घाटन करना, गरीब जनता कहाँ फंस गया है उसको अभी करना, आयोग को देखना चाहिए, आम जनता को देखना चाहिए। पूरे गांव में पानी घुस गया है, इसमें गरीब जनता कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा? कौन कौन वार्ड प्रभावित हुआ है बाढ़ से? 7, 8, 9 तीनों वार्ड, 8, 9, 23 तीनों वार्ड प्रभावित हो गया है। कौन कौन वार्ड प्रभावित हुआ है? 8, 9, 23, 2 ये सब चारों वार्ड प्रभावित हो गया है बाढ़ से। जब काम ही नहीं होगा, पूरा किसान ही डूब गया है, उसका उपचार कौन करेगा? न विधायक आता है, न कोई आता है। क्या सरकार का तरफ से किसी तरह का सहायता वगैरह? कोई सरकार के तरफ से कोई हाथ का विधायक नहीं करता तो सरकार क्या आएगा? कहाँ पर अभी आप हैं? अभी आप कहाँ पर हैं? अभी हम इमली घाट पर हैं। हम लोग को बाढ़ से इतना क्षति होता है, 2 महीना से पानी है बाढ़ में, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। घर द्वार में पानी भी घुसा हुआ है, दूसरा नंबर क्या है, सांप कीड़ा इतना है, तो हम लोग बहुत कैसे रहते हैं वो भी एकदम नहीं, हम लोग के बहुत ही अति होता है। लाठी ले लेके भर भर रात जग जग के हम लोग जो है सांप कीड़ा के मारते हैं। बहादुरपुर के प्रखंड का BDO जो है और CO जो है, हम लोग को बाढ़ में कुछ नहीं सहायता किया है, न पन्नी दिया है, न कुछ दिया है। गांव का आदमी बीमार पड़ता है, कोई सहायता नहीं होता है, कोई एक बार घूर के झांकी मारने के लिए नहीं आता है। हमारे मदन सहनी जो जीत के गए हैं माने प्रखंड बहादुरपुर से, वो भी नहीं अभी तक ये रक्षण करने आया है, एक भी नहीं आया है। सो क्या हुआ, मेरा इमनियाड़ी पंचायत में मर गया कि फंस गया, क्या हुआ? कुछ नहीं।